ओके फाइन। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? ओके सो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सक्लूडरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, सो ये टॉपिक्स, ये आज से हमारा ऑनलाइन सेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम पूरा अपना ह्यूमन एनाटॉमी कवर कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप। ओके सो लेट्स स्टार्ट देन। दो टॉपिक्स हमारे पूरे के जो हमारा सेशन रहेगा वो दो तरह के रहेगा। ये हमारा फर्स्ट लुक का चैप्टर रहेगा। ठीक है, सो थोड़ा लेंदी हो सकता है, कुछ चीज़ें हम देखेंगे इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे उसका, किस तरह से चीज़ें आती हैं। ठीक है ना, सो ये हमारा 19 चैप्टर है, एक्सेसरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले कि हमारे बॉडी में जितने भी सारे जो एक्सेसरी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेसरी प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो उसको हम स्टडी करने वाले कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट रहते हैं और किस तरह से इलिमिनेट होते हैं। ठीक है ना, स्पेशली ह्यूमन बॉडी, तो वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इलिमिनेट करते हैं। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो हमारा पढ़ने का तरीका किस तरह से रहेगा, आपके सामने, सबके सामने एनसीईआरटी रहेगा। ठीक है, मैं जो जो एनसीईआरटी, हम पैराग्राफ वाइज चलेंगे और प्रयास करेंगे कि पैराग्राफ में किस प्रकार के कंटेंट दिया गया है। ठीक है, तो आप मेरे साथ साइमल्टेनियसली हाईलाइट भी कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ में हम सोचेंगे कि इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, नीट के परस्पेक्टिव से। ठीक है, सो कुछ चीज़ें हैं, जब चीज़ें आपको अगर डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि अगर कुछ चीज़ें को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो मैं आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा भी बताऊंगा। ठीक है, इज इट ओके? सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो ये इसमें हमको टोटल 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम है, यूरिन फॉर्मेशन है, ठीक है, और फंक्शन है, ट्यूबल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दरअसल सो हमारा जो यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें हम पढ़ते हैं क्या क्या है। ठीक है, सो इसमें कुछ चीज़ें दी गई, एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, नाइट्रिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड वाटर आयन्स लाइक Na+, C+, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। ठीक है, ओके okay. एंड अभी ध्यान से सुनो, इस पूरे चैप्टर में क्या कंटेंट दिया गया है। ठीक है ना, हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। कुछ उस टोटल मेटाबॉलिक प्रोसेस में कुछ कुछ चीज़ें आती है, जैसे कि कैटाबॉलिक प्रोसेस हो सकती है, एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं, सो उसमें से बाय प्रोडक्ट भी कुछ निकलती है। ठीक है, आपको पता है कि हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बायो मॉलिक्यूल से बना होता है, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, ठीक है, लिपिड्स है। ठीक है, और ये सारे के सारे कभी कभी कंस्ट्रक्ट होते हैं, कभी कभी डिस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक है ना, सो जब वो कंस्ट्रक्ट होते हैं तो उसको हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और जब डिस्ट्रक्ट होते हैं उसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। अभी हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन। ठीक है, जिसमें बहुत सारे अमोनिया जब साथ में आते हैं तो उससे प्रोटीन बनता है। ठीक है, और जब इन प्रोटोन का लाइसिस होता है तो इससे कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग बाय प्रोडक्ट बनते हैं, और चूंकि हमारे बॉडी को जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं वो हार्मफुल रहते हैं, तो उसको इलिमिनेट करना जरूरी होता है ना। अभी बहुत बार बच्चों को ना प्रॉब्लम्स आते हैं कि एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है ना, क्योंकि हमने डाइजेशन भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं, तो एक्सक्रीशन
और इजेक्शन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि अगर हम डाइजेशन का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारा एक पूरा एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है माउथ से लेके एनस तक, है ना। तो हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं या जो भी कंटेंट हम बॉडी के अंदर लेते हैं, वो सारा का सारा कंटेंट क्या होता है, एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू इलिमिनेट होता है, ठीक है, एनस थ्रू। तो हम उसको इजेक्शन कहते हैं, उसको हम इलिमिनेशन नहीं करेंगे या फिर हम उसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सेलुलर जो वॉल रहता है उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करते, वो उसको शिफ्ट नहीं करते उससे, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, ये बहुत ही मॉलिकुलर लेवल पे वर्कआउट होता है, ठीक है। जितने भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स रहते हैं उसको हम लाइसिस करते हैं, ठीक है, और उससे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को इलिमिनेट करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है, हालांकि इस फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि हम क्या क्या इलिमिनेट करते हैं। एक तो अमोनिया रहते हैं, ठीक है, बाद में यूरिया रहता है, यूरिक एसिड रहता है, ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड भी इलिमिनेट करते हैं, ठीक है, अभी, और वाटर भी इलिमिनेट करते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन जैसे आयन भी है बहुत सारे, ठीक है। ये सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जब भी ये एक्सेस होते हैं या फिर जो भी हार्मफुल रहते हैं उसके बारे में। अभी इस चैप्टर में इन सारों के साथ साथ हमको मेन फोकस जो करना है वो इन तीनों के ऊपर करना है, जैसे कि ये अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड, ठीक है। सो इसके बारे में पढ़ना है, अभी आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, इसमें हमारे बॉडी में क्या होता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर प्रोडक्ट्स, मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स, ठीक है। इसमें से अमोनिया जो रहता है वो मोर टॉक्सिक रहता है, ठीक है, और उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लगता है इलिमिनेशन के लिए, ठीक है। और उसमें से यूरिक एसिड जो रहता है वो लीस्ट टॉक्सिक रहता है और उसके लिए बहुत ही मिनिमम लॉस ऑफ वाटर लगता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि इस चीजों में हम तीन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, एक तो अमोनिया के बारे में बात करेंगे, यूरिया के बारे में बात करेंगे और यूरिक एसिड के बारे इलिमिनेशन के बारे में बात करेंगे। हालांकि बाकी के भी प्रोडक्ट्स है जिसको हमको इलिमिनेट करने के बारे में सोचना है, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी जो चीज रहती है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो वेस्ट रहते हैं, वो रहते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है ना। सो इसमें से अगर हमको क्वेश्चन बनाया जाए तो इसमें से इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अमोनिया जो रहता है वो ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिक रहता है, मतलब जैसे ही अमोनिया बना उसको तुरंत हमारे बॉडी से हमको क्या करना पड़ेगा, इलिमिनेट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ में जैसे ही उसको इलिमिनेट करना है तो उसके साथ हमें लार्ज वाटर लगता है ना, एज कम्पेयर टू अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। और इन तीनों में, ठीक है, ये जो यूरिक एसिड रहता है वो लीस्ट टॉक्सिक रहता है, ठीक है, और उसको मिनिमम वाटर लगता है ना, अमोनिया और यूरिया के कंपैरिजन में, ठीक है। अभी ये चीजें क्यों ऐसा होती है कि कुछ, अभी सारे के सारे जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है ना, उसमें से कुछ जो एनिमल्स रहते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, कुछ एनिमल यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है ना, और कुछ एनिमल यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, ऐसा क्यों होता है। सो इवोल्यूशन में हम देखते हैं कि भाई इनिशियल डेज में जब अर्थ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, तो बहुत सारे वाटर मतलब बॉडीज थे इस अर्थ के ऊपर और उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। अभी उनको मतलब वाटर का अबंडेंस ही ज़्यादा है, ठीक है ना। सो वो क्या कर सकते हैं, वो अमोनिया को इलिमिनेट कर सकते हैं। और धीरे धीरे इलिमिनेशन होता गया, सो जो वाटर बॉडीज में रहने वाले ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, मतलब एम्फीबियंस होने लगे उसमें से कुछ कन्वर्ट, ठीक है, फिर एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स हुए, रेप्टाइल्स से मैमल्स हुए, ऐसे डार्विन और लैमर्क के थे, ठीक है ना। सो अगर उस परस्पेक्टिव से देखा जाए तो वाटर्स बॉडी से धीरे धीरे एनिमल्स क्या हो रहे, बाहर आ रहे, तो उनमें क्या हो रहा है, वाटर कंजर्वेशन बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमने पहले देखा कि अमोनिया को इलिमिनेट करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर लगता है, ठीक है ना। सो अगर इलिवेशन होके, ठीक है ना, एवोल्यूशन होके अगर कोई ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल में कन्वर्ट हो गया है तो उसको तो वाटर कंटेंट कम पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे अमोनिया से यूरिया में मतलब इलिमिनेशन प्रोसेस है उसका, उसका अमोनिया से कन्वर्ट होके यूरिया में चला गया, यूरिया से कन्वर्ट होके यूरिक एसिड में चला गया, ठीक है ना। सो आप जैसे जैसे अगर देखोगे, जैसे कि अगर आप पाइसिस का अगर किंगडम देखोगे, अगर आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे होंगे 10th में, ठीक है ना, तो उसमें आपने देखा होगा तो जो पाइसिस रहता है, ठीक है, या साइक्लोस्टोमेटा रहता है, वो बेसिकली एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अमोनिया को एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट करके इलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना। जो यूरिया रहता है, ठीक है, जैसे कि मैमल्स रहते हैं, मेजोरिटी मैमल्स रहते हैं, वो यूरिया को इलिमिनेट करते हैं,
और जो एवीस रहते हैं बर्ड्स बेसिकली वो यूरिक एसिड को देखेंगे, ठीक है ना। सो ये चीजें जो है कि कौन सा एनिमल किसको एक्सक्रीट करेगा वो डिपेंड किसके ऊपर है कि उसको वाटर कंजर्वेशन का कितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। सो जिसके पास वाटर अबंडेंट ज्यादा रहेगा वो ऑब्वियसली अमोनिया को जाएगा, जिसको वाटर अबंडेंट कम रहेगा वो ऑब्वियसली यूरिया को जाएगा, और जिसको वाटर अबंडेंस और भी कम रहेगा वो ऑब्वियसली किसको जाएगा, यूरिक, सॉरी, जिसको वाटर का कंटेंट आसपास उसकी कम रहेगा वो किसको जाएगा, यूरिक एसिड को जाएगा, ठीक है ना। सो अभी नेक्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट पैराग्राफ में। सो फर्स्ट पैराग्राफ में अगर अगर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो हम कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में सोच सकते हैं, और उसमें सिर्फ एक पॉइंट बनता है कि भाई सबसे टॉक्सिक कौन सा कंपोनेंट है नाइट्रोजनस, वो है अमोनिया, और उसको मैक्सिमम क्या लगते हैं, वाटर कंटेंट लगते हैं, ठीक है। इज इट ओके? ये फर्स्ट पैराग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में है, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको क्या कंसेप्ट दिया है कि कौन कौन से जो एनिमल्स है वो किस किस को प्रिफर करते हैं, ठीक है ना। सो इसमें हम देखते हैं, चलो। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन अमोनिया इज अमोनोटिलिज्म, ठीक है। जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इसको अमोनोटिलिज्म कहते हैं, ये पॉइंट आप लिख लो आपके नोटबुक में। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमाइनोटिलिज्म, मतलब अमाइनोटिलिज्म क्या होता है, उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। अब इनको कौन कौन एक्सक्रीट करता है, मेनी बोनी फिशेस, जो भी बोनी फिशेस रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। एक्वेटिक एम्फीबियंस, जैसे कि हमने पहले ही देखा अमोनिया के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लगता है तो उसको एक्वेटिक एम्फीबियंस उसको एक्सक्रीट करेंगे। एक्वेटिक इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट रहते हैं है ना, ठीक है, वो अमोनिया को ये करेंगे। तो ये सारे के सारे कौन से अमाइनोटेलिक इन नेचर है, मतलब कौन कौन से अमाइनोटेलिक इन नेचर है, बोनी फिशेस अमाइनोटेलिक इन नेचर है, एक्वेटिक एम्फीबियंस जो है वो अमाइनोटेलिक इन नेचर है, और एक्वेटिक इंसेक्ट्स ये जो है वो क्या करते हैं अमोनिया को एज अ एक्सक्रीटरी बाय प्रोडक्ट करके इलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना। ओके, सो ये किस तरह से करते हैं, ये अमोनिया जो रहता है वो रेडिली सोल्यूबल रहता है, मतलब अगर हम यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया की बात करें, ठीक है, सो उसमें जो अमोनिया रहेगा वो रेडिली सोल्यूबल रहेगा एज कम्पेयर टू यूरिया या यूरिक एसिड। मतलब सबसे लीस्ट वाटर सोल्यूबल कौन रहेगा, यूरिक एसिड रहेगा, क्योंकि ज्यादा वाटर सोल्यूबल कौन है, अमोनिया, ठीक है ना। सो इसलिए चूंकि अमोनिया ये वाटर सोल्यूबल है रेडिली, ठीक है, इसके लिए उसको वाटर का कंटेंट ज्यादा लगता है, ठीक है ना। सो ये किस तरह से डिफ्यू, मतलब इसे किस तरह से एलिमिनेट होता है, कि ये क्या होता है, डिफ्यूजन से होता है, किससे, बॉडी सरफेस या फिर गिल से, ठीक है ना, मतलब फिश के जो बॉडी सरफेस रहता है, ठीक है, ठीक है ना, या फिर उनके जो गिल्स रहते हैं उससे ये वो अमोनियम आयन से सिक्रेट करता है, ठीक है, ओके। किडनी डज नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, चूंकि अमोनिया है तो अमोनिया को एक्सक्रीट करने लिए किडनी का कोई भी प्रकार का किसी भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं रहता है, ठीक है, ओके। सो इतनी बात समझ में आ गई। सो इसमें क्या क्या हमने देखा कि अमाइनोटिलिज्म मतलब क्या, ये जो प्रोसेस रहता है एक्सक्रीटिंग ऑफ अमोनिया इसको क्या बोलते हैं हम, अमाइनोटिलिज्म कहते हैं। इसको कौन कौन से है, एक तो बोनी फिशेस है, एक्वेटिक एम्फीबियंस है और एक्वेटिक इंसेक्ट्स है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या, अमाइनोटिलिक इन नेचर है, ठीक है। अमोनिया जो रहता है वो रेडिली सोल्यूबल रहता है और वो डिफ्यूज होता है बॉडी सरफेस से या फिर गिल्स के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस। इज इट ओके? ओके, ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। मैमल्स आर, ओके, मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटेलिक, ठीक है ना। अभी हमने देखा कि बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और जो ये रहते हैं, एक मिनट, हाँ, सो अभी हमने क्या देखा कि बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो किसको, अमोनिया को प्रिफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अभी मैमल्स जो रहते हैं बेसिकली, जो मैमल का क्लास है, ठीक है, और बाकी के जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है जो ज्यादा समय लैंड के ऊपर बिछाते बिताते हैं, ठीक है ना, या फिर मराइन फिशेस है। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकते हैं कुछ बच्चों को, ठीक है ना, कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर फिशेस भी वाटर में रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि भाई मरीन फिशेस जो रहते हैं वो क्या करते हैं, एज ए यूरिया बाय प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है ना, और उनको क्या कहते हैं हम,
यूरियो टेलिक कहते हैं। ठीक है, अभी क्या आगे, अभी आगे बढ़ते, ठीक है। ओके, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर ऑफ दिस एनिमल एंड रिलीज इनटू ब्लड विच इज फिल्टर एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। ठीक है ना। सो मतलब इनके जो बॉडी में अमोनिया जो होता है, ठीक है, जो यूरियोटिलिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है ना, सो इनके बॉडी में जो भी अमोनिया रहता है वो कन्वर्टेड होता है किसमें, यूरिया में। ठीक है ना। और जो यूरिया किसमें ये प्रोसेस होती है, लिवर में होती है। ठीक है, लिवर में एक ऑर्निथिन साइकिल रहता है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल जानकारी अभी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का कहना है कि भाई मतलब अभी पीछे कभी जब हम पढ़ते थे, ठीक है, 12th में, तो क्या होता था, वो ऑर्निथिन साइकिल डिटेल में पढ़ाया जाता था। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि जो एनिमल्स यूरियोटिलिक है, ठीक है, उनमें क्या होता है कि लिवर में अमोनिया का कन्वर्जन होता है किसमें, यूरिया में। ठीक है, और यूरिया का मॉलिकुलर फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। सो उसका फॉर्मूला है CONH2NH2। ठीक है ना। सो इसको हम यूरिया कहते हैं। ठीक है, और ये यूरिया जो रहता है वो मैक्सिमम जो मैमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, यूरियोटिलिक इन नेचर रहते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो रेप्टाइल्स रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज अ यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट विथ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड कॉल्ड यूरियो सॉरी यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ठीक है ना। सो कौन कौन यूरियोटेलिक एनिमल्स है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स यानी छिपकली रहेगी या फिर जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्नेक्स रहेंगे, ठीक है, बर्ड्स रहेंगे, ठीक है, जितने भी एवीस है प्लेटफॉर्म पे वो सारे के सारे बर्ड्स हैं। ठीक है, फिर लैंड स्नेल्स है, ठीक है, वो काफ़ी स्लो उनका मोशन रहता है तो फिर उनको वाटर कंजम्पशन काफ़ी कम मिलता है। या फिर अदर इंसेक्ट्स है, वो किसको नाइट्रोजनस वेस्ट एज ए यूरिक एसिड प्रीफर करते हैं। ठीक है, और ये किसके फॉर्म में, पेलेट्स के फॉर्म में या फिर पेस्ट के फॉर्म में उसको एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, ओके। सो पेलेट के फॉर्म में या पेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट करने से क्या होता है, उनका वाटर कंजर्वेशन बढ़ जाता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, सो इस पैराग्राफ में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है अगर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो पहले तो चीज़ आपको अमाइनोटिलिज्म क्या है वो पता चलना चाहिए। ठीक है, सो हम यूरियोटिलिज्म भी बोल सकते हैं, यूरिकोटिलिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड, है ना, तो उसको अमाइनोटिलिज्म, यूरियोटिलिज्म और यूरिकोटिलिज्म बोल सकते हैं। फिर आपको क्या याद रखना है कि भाई कौन कौन से एनिमल अमाइनोटेलिक है, कुछ कौन कौन से एनिमल यूरियोटेलिक है और कौन कौन से एनिमल यूरिकोटेलिक है। सो इसमें कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि अमाइनोटेलिज्म में बोनी फिशेस है ना, यहाँ पे भी मराइन फिशेस है, लेकिन जो मराइन फिश रहते हैं वो क्या करते हैं, यूरिया एज अ बाय प्रोडक्ट इलिमिनेट करते हैं। अगर आपको ऑप्शन में दे बोला जाए कि मतलब नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन में कौन से जो एनिमल्स है वो यूरियोटेलिक है, तो उसमें बोल सकते हैं कि भाई बोनी फिशेस का एक एग्जाम्पल रह सकता है, फिर एक मरीन फिशेस का रह सकता है, ठीक है, और कुछ रहेगा, तो उसमें कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, मरीन फिशेस ये कभी भी यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं और बोनी फिशेस वो हमेशा अमोनिया को प्रीफर करते हैं। ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे बताया गया कि किसके थ्रू अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए आपको किसी भी प्रकार से किडनी का कोई भी फंक्शनल रोल नहीं रहता है। ठीक है, वो गिल्स या फिर बॉडी सरफेस से भी अमोनिया को डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी के बाहर भेजे जाते हैं, मतलब इनका कोई भी ठीक ठाक से एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि बॉडी सरफेस है, बॉडी सरफेस के बाहर सीधा अमोनिया को भेज दो इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, या फिर गिल्स रहते हैं उनके गिल के सरफेस से उनको बाहर भेज दो। ठीक है ना, अभी जो मैमल्स रहते हैं, ठीक है, सॉरी ये एक बात होगी। ठीक है, अभी मैमल्स को यूरिया बनाना है, तो पहले तो आपको बात क्लियर हो गई कि भाई यूरिया बनाने के लिए आपको लिवर चाहिए, क्योंकि लिवर में ही अमोनिया का कन्वर्जन किस में होगा, यूरिया में होगा बाय ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है ना, फिर उसके लिए एक प्रॉपर आपको एक यूरिनरी सिस्टम सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी लगेगा। ठीक है, सो ये सारी कुछ चीज़ें ट्रैवल करने के लिए, जैसे अमोनिया के बारे में नहीं है, ठीक है,
और यूरिक एसिड जो कि सबसे लीस्ट है, जिसको वाटर कंजर्वेशन करने का ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, लैड्स है, स्नेल्स लैंड स्नेल्स है, ठीक है ना, और इंसेक्ट्स, तो ये क्या करते हैं, यूरोटिलिक इन नेचर रहते हैं, ठीक है ना। सो ये तीन चीज़ें, एक अमाइनोटिलिज्म के बारे में, एक यूरिकोटिलिज्म के बारे में, सॉरी यूरियोटेलिज्म के बारे में, और एक यूरिकोटेलिज्म के बारे में। सो इनके आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ओके, सो सेकंड जो हमारा पैराग्राफ है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, बोलो। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दिस एनिमल मेंटेन। ओके, इसको क्या हो गया, डिजायर ऑस्मोलैरिटी। अभी ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है जिसमें कहा गया कि सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन डिजायर ऑस्मोलैरिटी। अभी ये जो कंसेप्ट है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ठीक है ना, वो जब हम यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है, उस वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ये ऑस्मोलैरिटी क्या कंसेप्ट है, उसके लिए मेरे को आपको ऑस्मोसिस बताना पड़ेगा, ऑस्मोलैरिटी क्या होती है वो बताना पड़ेगा, कि हाइयर ऑस्मोलैरिटी से लोअर ऑस्मोलैरिटी से वाटर फ्लो होता है, या लोअर ऑस्मोलैरिटी से हाइयर ऑस्मोलैरिटी में वाटर फ्लो होता है वो बताना पड़ेगा। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, वो हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने अभी इसको नहीं लिया, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी एक्चुअली कलेक्टिंग ट्यूबुल से, ठीक है ना, यूरिया जो होता है वो रिटेन किया जाता है, ताकि जो ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो जब हम यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे, तब हम क्या देखेंगे इसको, किस प्रकार से ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट लागू पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है, चलो। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। अभी ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, सो इसमें क्या कंटेंट है कि कौन कौन से एनिमल्स, क्योंकि हमने पहले देखा कि जो अमोनिया रहता है वो कैसे एक्सक्रीट होता है, भाई आप वो बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट कर सकते हो, गिल से एक्सक्रीट कर सकते हो, ठीक है। यूरिया के लिए हमको पता चला कि भाई लीवर होना बहुत रिक्वायर्ड है, वही अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट होता है, और यूरिया को अगर एलिमिनेट करना है तो आपको एक यूरिनरी मतलब सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी चाहिए, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको बताया गया है कि कौन कौन से एनिमल्स जो है, एनिमल के क्लासेस या फाइलम जो भी है, वो किस प्रकार से प्रीफर करते हैं या किसके थ्रू प्रीफर करते हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ देखना है, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या है, अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट इन वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन द मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, वेयर एज वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स लाइक किडनीज। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई आपके जो इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं उनका सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म रहता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और जो वर्टिब्रेट्स रहते हैं, ठीक है, उनको उनका क्या रहता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है ना। और इसमें से कुछ जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो दिया है प्रोटोनेफ्रोडिया, ठीक है ना, और उसको ही हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, ठीक है ना। सो जो प्लैटीहेलमिंथीस, जो फ्लैट वर्म रहते हैं, प्लानेरिया रहते हैं, ठीक है, थीके? या फिर सब एनिलिड्स रहते हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, प्रोटोनेफ्रोडिया एज अ मतलब प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन करके यूज किया जाता है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है, जितने भी प्लैटीहेलमिंथीस है, जितने भी प्लैटिपस वो किसको याद करते हैं, प्रोटोनेफ्रेडिया को, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो प्लैटीहेलमिंथीस है, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो भी बाकी के दिए गए हैं एनिलिड्स, सम एनिलिड्स कहा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। सो ये सारे के सारे प्रोटोनेफ्रेडिया करके एक, या फिर फ्लेम सेल्स करके एक स्ट्रक्चर्स है, उसको एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में क्या देखते हैं हम, नेफ्रेडिया, ठीक है, नेफ्रेडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म्स, ठीक है ना। सो ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि भाई अर्थवर्म में नेफ्रेडिया नाम का जो स्ट्रक्चर रहता है वो एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करता है, ठीक है। फिर थर्ड में हम देखेंगे कि माल्फिजियन ट्यूबुल्स आर द एक्सक्रीटरी
स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो जो भी इंसेक्ट्स है या कॉकरोच है उसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर एज एस्किटरी ऑर्गन यूज करता है, वो है मालफिजियन ट्यूब्यूल। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, और फोर्थ, जो फोर्थ पॉइंट है वो है एंटीनियल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, है ना, ये क्या करता है, एस्किटरी फंक्शन करते हैं किसमें, प्रॉन्स में। ठीक है ना, सो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। ओके, सो ये हमारे कुछ हाईलाइट के पॉइंट्स है। पहला 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 कौन सा पॉइंट्स है कि प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, जितने भी जितने प्लाटीहेलमिंथिस है या फिर बाकी के जो भी यहाँ पे अंडरलाइन किए गए हैं, जितने भी एनिमल्स है वो प्रोटोनेफ्रिडिया को एज अ एक्सक्रेटरी ऑर्गन यूज करते हैं। नेफ्रेडिया, ठीक है, इसको कौन से, अर्थवर्म, ठीक है, और अदर एनिलिड्स। देखो यहाँ पे दो चीजें समझने का प्रयास करो, यहाँ पे सम एनिलिड्स कहा गया है। ठीक है, मतलब कुछ एनिलिड्स जो होते हैं वो प्रोटोनेफ्रेडिया को यूज करते हैं, और बाकी के बचे कुछ सारे के सारे जो एनिलिड्स रहते हैं वो नेफ्रेडिया को एज अ एस्किटरी ऑर्गन यूज करते हैं। ठीक है ना, चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, सो इसके ऊपर से आपको नीट के लिए क्वेश्चंस, अभी ये चीजें याद रखनी है कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म रहता है या फाइलम रहता है वो किसको एज अ एस्किटरी ऑर्गन करके यूज करते हैं। जैसे ह्यूमंस का जो एस्किटरी ऑर्गन होता है वो किडनी होता है, ठीक है ना। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्लैटिहेलमिंथिस, सारे के सारे प्लैटिहेलमिंथिस प्रोटोनेफ्रिडिया को एस्किटरी ऑर्गन यूज करते हैं, सम एनिलिड्स प्रोटोनेफ्रिडिया को एस्किटरी ऑर्गन करते हैं, बाकी के सारे अदर जो एनिलिड्स है वो किसको एज ए एस्किटरी ऑर्गन यूज करते हैं, नेफ्रेडिया को। ठीक है ना, और अर्थवर्म भी स्पेशली किसको, नेफ्रेडिया को यूज करते हैं। जो थर्ड जो है इंसेक्ट्स, जैसे कि कॉकरोच जैसे इंसेक्ट है, वो किसको एज ए एस्किटरी ऑर्गन यूज करते हैं, माल्फिजियन भी स्पेशली किसको, नेफ्रेडिया को यूज करते हैं। जो थर्ड जो है इंसेक्ट्स, जैसे कि कॉकरोच जैसे इंसेक्ट है, वो किसको एज ए एस्किटरी ऑर्गन यूज करते हैं, माल्फिजियन ट्यूबुल्स को। ठीक है ना, माल्फिजियन ट्यूबुल्स को एज ए एस्किटरी ऑर्गन करके यूज करते हैं, और जो प्रॉन्स रहते हैं वो किसको, एंटीनियल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स को। ठीक है ना, सो ये चार चीजें आपको याद रखनी है। इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, बेसिकली नेफ्रिडिया के बारे में और प्रोटो नेफ्रिडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, सो इस पैराग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम है आप चार्ट करके बता सकते हो। ठीक है, इस पैराग्राफ में आपको सिंपल सी बात है, सिर्फ ये पता करना है कि भाई प्रॉन्स क्या करता है, किसको एज ए यूज करता है। ठीक है, ठीक है ना, चार्जर लगा। ठीक है, ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो लगता है हमारी चार्जिंग खत्म हो रही है। ठीक है, एक मिनट। क्यों नहीं आ रहे हैं? ओके, इसको क्या हो गया अभी? चलो भाई, हमको अलग से खोलना पड़ा इसको, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। और ओके, ठीक है, ये मिल गया हमको, ये यहाँ पे जाके छुप गए थे।
सो हमने जितना भी टिक मार गया था सारा का सारा चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है, आई होप यू आपने अंडरलाइन कर लिया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ह्यूमन स्केटरी सिस्टम्स, ठीक है ना। अभी जो हमारा अभी तक तो हमने देखा कि कौन कौन से एनिमल्स एनालिस्ट कौन से इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, प्रॉन्स किसको यूज करते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हम ह्यूमन स्केटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। सो ह्यूमन स्केटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अभी। सो यह है हमारा ह्यूमन स्केटरी सिस्टम, ठीक है। सो इसके बारे में देखते हैं क्या है करके, ठीक है। इन ह्यूमन स्केटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, इसमें क्या चीज रहती है? पहली रहती है अ पेयर ऑफ किडनी, दूसरा रहता है अ पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है, अ सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, एंड लास्ट वन रहता है यूरेथ्रा, ठीक है ना। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। सो अगर हम ह्यूमन स्केटरी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। सो ये एक किडनी है, ठीक है, ये एक किडनी है, तो ये दोनों किडनी मिलकर अ पेयर ऑफ किडनी बनता है, पहली चीज, ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। दूसरा रहता है अ पेयर ऑफ यूरेटर, ये एक यूरेटर हो गया एक किडनी से आता हुआ, और ये दूसरे किडनी से आता हुआ दूसरा यूरेटर। सो इनकी भी एक पेयर रहती है, एक यूरिनरी ब्लैडर रहता है, ठीक है, ओके, ये यूरेटर दो हो गया, एक यूरिनरी ब्लैडर, और ये चार यूरेथ्रा। सो ये चार एलिमेंट्स को बना के हमारा पूरा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बनता है। तो जब भी आपको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो आपको इन चारों के बारे में पढ़ना होगा, या फिर अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को एक्सप्लेन करने को बोला जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एक किडनी की पेयर रहती है हमारे स्केलेटल सिस्टम में, एक यूरेटर की पेयर रहती है, एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर रहता है और एक यूरेथ्रा रहता है। तो जब अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, वन बाय वन। सो देखते हैं आगे क्या बोला गया। अभी किडनी के बारे में यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें बताई गई थी, जैसे कि ये रेडिश ब्राउन है, ठीक है, बीन शेप्ड है, बीन शेप माने उसका शेप जो रहता है वो थोड़ा सा बीन लाइक रहता है, ठीक है ना, ओके। और वो ये इंपॉर्टेंट है, ये रहती है स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लुम्बार वर्टिब्रा, ठीक है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आपकी किडनी जो है बॉडी में कहाँ पे सिचुएटेड है। सो जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा रहता है, हमारे जो वर्टिब्राज रहते हैं उसके डिफरेंट सेक्शंस रहते हैं, ठीक है, उसमें से जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा रहता है, ठीक है, और जो थर्ड लुम्बार वर्टिब्रा रहता है, ठीक है ना, सो उनके बीच में जो रहता है वो हमारे किडनी सिचुएटेड रहती है, ठीक है ना। बाकी की ये जो डॉर्सल वॉल है, ये उसका साइज कितना है, लेंथ कितनी है, वेट कितनी है, इतना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एवरेज वेट उसका 122-170 है, ये आप पढ़ लो, ठीक है। और एक कंसेप्ट है ये हीलम वाला, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हीलियम। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वो किडनी है, ठीक है। सो इस किडनी में ये जो पोर्शन है, ठीक है ना, जिसमें ये पूरा पूरा रिनल जो आर्टरीज है, रिनल वेंस है ना, या फिर यूरेटर जिससे बाहर आ रहा है, ठीक है ना, तो ये जो जहाँ से इंसर्ट करते हैं इस पोर्शन को हम हीलम कहते हैं, ठीक है ना, ओके। और आगे क्या है, और आगे ब्लड वेसल्स वगैरह, प्रोजेक्टेड कैलसेस, कैलसेस कैप्सूल्स, चलो इसको भी हाईलाइट करके देता हूँ। एक रीनल पेल्विस कंसेप्ट है, एक कैल्सेस है, ठीक है, एक जोन से मेडुला, ठीक है। अभी ये समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, इसे आपको ठीक से समझेंगे। चलो ओके फाइन, ओके। सो ये है हमारा यूरिनरी सिस्टम, ठीक है ना। सो यूरिनरी सिस्टम में जैसे कि हमने पहले देखा कि हमारे पास दो किडनीज रहती है, ठीक है, अ पेयर ऑफ किडनी रहती है, ठीक है, एक किडनी है, सॉरी, ठीक है, पेन कहाँ है,
सो ये एक पियर है, ठीक है, सॉरी ये एक किडनी है हमारी, ये एक किडनी है, ठीक है। इस किडनी के ऊपर ये जो है इसको एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, सो इसको एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। सो दोनों के किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ओके सो उसके बाद ये यूरेटर है, ठीक है ना। और उसके ये भी एक पेयर है, एक यूरेटर, ये सेकंड यूरेटर, और ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक हो, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। एक इस किडनी में आने के लिए एक जो ब्लड वेसल रहते हैं उसको हम रीनल आर्टरीज कहते हैं, और जहाँ से जो ब्लड लेके जाते हैं उसको हम रीनल वेन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा यूरिनरी सिस्टम हो गया। अभी हम पढ़ेंगे जो इसमें कंटेंट दिया है उसके बारे में। अगर ये जो हमारा किडनी रहता है इसको हम अगर सेक्शन में लेते हैं, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल अगर सेक्शन लेते हैं तो हमको किस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। सो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो आप ये जो पार्ट देख पा रहे हो यहाँ से लेके यहाँ पे, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ठीक है ना। सो इस पार्ट को कॉर्टेक्स कहा जाता है। सो वो यहाँ से इमर्ज होगा और यहाँ तक जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। सो ये कॉर्टेक्स रीजन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये जो अंदर के साइड में है इसका पॉइंटर थोड़ा सा स्मॉल है, आप देख लो, ब्लैक कर देता हूँ इसको। सो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स का रीजन है, ठीक है, और ये जो पार्ट है वो इससे अंदर से लेके यहां तक, ये जो है पूरा का पूरा मेडुला पोर्शन है, ठीक है ना। ओके ठीक है, चलो। सो इससे आगे ये जो पार्ट है वो पूरा का पूरा मेडुलरी रीजन आता है, ठीक है। तो किडनी के सिंपल सिंपल दो पार्ट काटते हैं, निकालते हैं, एक रहता है आउटर जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो रहता है इनर जिसको हम मेडुला कहते हैं, ठीक है ना। अभी मेडुला में ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है ना। सो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है मेडुला में प्रेजेंट हुआ उसको हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं, और ये रीनल पिरामिड्स किससे बने होते हैं, नेफ्रॉन से, ठीक है। हालांकि पूरा का पूरा नेफ्रॉन इसमें नहीं रहता, ठीक है, एक नेफ्रॉन की जो माल्फिजियन बॉडी रहती है, पीसीटी रहती है, डीसीटी रहते हैं, ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहते हैं, और जो लूप ऑफ हेनले रहता है वो सिर्फ मेडुला में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लेकिन इनसे क्या बनता है, ये पिरामिड्स बनते हैं, ठीक है। अभी ये जो कॉर्टेक्स का जो रीजन है वो दो पिरामिड्स के बीच में ये जो सेक्शन है, ठीक है ना, उसको हम डक्ट ऑफ बर्टिनी कहते हैं, ठीक है ना। मतलब दो पिरामिड्स के बीच, अभी एक पिरामिड है, ये दूसरा पिरामिड है, इसके अंदर जो कॉर्टेक्स का रीजन है जो इमर्ज हो रहा है उसको हम डक्ट ऑफ बर्टिनी कहते हैं। हालांकि एक डक्ट ऑफ बेलिनी करके भी रहता है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे वो डक्ट ऑफ बेलिनी क्या होता है, लेकिन इसको आप समझ लो ये डक्ट ऑफ बर्टिनी है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। सो ये जो हीलम के अंदर से एक रीनल आर्टरी आ रही है, एक रीनल वेन जा रही है इसके अंदर, और इसी से हीलम से क्या हो रहा है, यूरेटर आ रहा है, ठीक है। सो ये बेसिक ट्रांसवर्स सेक्शन है, या फिर अपना आपका लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है, किसका, आपके किडनी का। अभी ये जो पिरामिड्स रहते हैं वो माइनर कैलिक्स में आते हैं, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में आते हैं, और फिर ये पेल्विस जो रीजन है यहाँ पे सारे के सारे कंटेंट क्रिएट होता है, सॉरी जमा होता है, और यहाँ से फिर वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ निकल जाता है, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन है हमारा किडनी का, ठीक है, चलो भाई। ठीक है, सो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, ठीक है ना। सो भाई हमने पढ़ा कि ये जो आउटर पोर्शन रहता है इसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, ये जो रहते हैं उसको पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है,
दो पिरामिड्स के अंदर जो पोर्शन रहता है उसको कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं हम लोग, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, ये जो हीलम स्ट्रक्चर रहता है इसमें एक रीनल आर्टरी आती है, एक रीनल वेन आती है, ठीक है, और इससे हमारा क्या होता है, यूरेटर निकलता है, ठीक है। फिर ये जो बना होता है, ये मेडुलरी पिरामिड जो बने होते हैं, ठीक है, ये इसे किससे कंस्टिट्यूट होते हैं, वो नेफ्रॉन से बने होते हैं, जो कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी है, ठीक है, ओके। और यहाँ से क्या होता है, रीनल में जो भी ये पिरामिड्स में जो भी कंटेंट आता है, प्राइमरी यूरिन या फिर हमारा जो यूरिन बनता है वो माइनर कैलेक्स में आता है, माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेसिस में आता है, और फिर यहाँ से पेल्विस में आके वो यूरेटर से हमारे यूरिन बैडर में जमा होता है, ठीक है, ओके। सो ये किडनी का बेसिक लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे का, ठीक है, चलो। सो ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। हालांकि इसके ऊपर पिछले पैराग्राफ में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक्चुअली इसमें ज्यादा क्वेश्चंस कुछ बनेंगे नहीं, क्योंकि सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपकी किडनी का ट्रांसवर्स सेक्शन, सॉरी, कि किस पोर्शंस को क्या कहते हैं, ठीक है ना। सो इसमें क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉलम्स ऑफ बर्टिनी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि कॉलम ऑफ बर्टिनी होता क्या है, ठीक है ना। सो दो पिरामिड्स के बीच में जो भी स्पेस रहता है, ठीक है ना, कॉर्टेक्स का जो पोर्शन आता है उसको हम कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं, क्योंकि एक कॉलम ऑफ या फिर डक्ट ऑफ बेलिनी करके भी कंसेप्ट आता है आगे जाके नेफ्रॉन में। सो बेलिनी और बर्टिनी को अभी तो आपको याद रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या होता है, हमारे हम उसको भूल जाते हैं, ठीक है ना। सो इतना याद रखो कि ये क्या है, कॉलम ऑफ बर्टिनी है, ठीक है, बेलिनी अलग कंसेप्ट है, ठीक है ना। सो बनने का क्वेश्चन तो इस पैराग्राफ से में यही है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते हैं, ठीक है ना। सो पहला तो क्या है, ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। हालांकि किसी ने गिना तो नहीं होगा कि 1 मिलियन है करके, ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाता है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से अगर पूछा जाए तो इसके ऊपर शायद बनाएंगे तो नहीं, लेकिन आने के अगर अगर बनाना है हमको तो बना सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है, कि 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहते हैं जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, विच आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है, और इसके टू पार्ट्स रहते हैं। पहला पार्ट रहता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, और दूसरा पार्ट रहता है रीनल ट्यूबुल्स। तो ये आप लिख सकते हो कि नेफ्रॉन के भाई दो पार्ट्स रहते हैं, पहला पार्ट रहता है ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट रहता है रीनल ट्यूब्यूल रहता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस इज ओके टफ एंड कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टेरियोल्स, ओके, इसको हम पढ़ेंगे, ये एफरेंट आर्टेरियोल के बारे में पढ़ेंगे, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी के बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। कैरेटा वे फ्रॉम द ओके पोमस कैप्सूल, ठीक है, चलो। अभी हम पूरा का पूरा नेफ्रॉन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, चलो। तो भैया अपना जो नेफ्रॉन है वो इस तरह से रहता है, हालांकि मैं और भी एक दो डायग्राम दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया कि एक किडनी के दो पार्ट रहते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स रहता है, एक इनर मेडुला रहता है, ठीक है ना। सो आउटर कॉर्टेक्स में जो रहते हैं उसमें कुछ नेफ्रॉन रहता है, ठीक है, नेफ्रॉन के कुछ पार्ट रहते हैं, जैसे कि उसका बोमन्स कैप्सूल हो गया, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, तो मैं आपके लिए कुछ सिंप्लीफाइड नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, ओके, ठीक है। सो चलो भाई ध्यान से देखो। सो अब हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, आ गया नेफ्रॉन। और इसको मेरे को कलर, ठीक है। सो ये हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है। सो जैसे कि हमने ग्लोमेरुलस के बारे में पढ़ा और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, सो ये जो पोर्शन रहता है नेफ्रॉन का, ठीक है, वो आपका ग्लोमेरुलस या मालफिजन बॉडी का पार्ट है, और बाकी का ये जो पोर्शन है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये ट्यूबुलर फॉर्म है, ठीक है ना, या फिर ये सिटी हो गया, ठीक है। सो अभी क्या होता है, ये जो टोटल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें से हम वन बाय वन देखेंगे कि नेफ्रॉन में क्या क्या होता है, ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, चलो अभी ध्यान से देखो, ठीक है,
ये नेफ्रॉन का ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम माल्फिजियम बॉडी कहते हैं, ठीक है ना। इस पार्ट को क्या हम बोलते हैं, माल्फिजियम बॉडी। माल्फिजियम बॉडी में क्या क्या आता है, ग्लोमेरुलस और बोमोन कैप्सूल, इन दोनों को मिला के हम माल्फिजियन बॉडी कहते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे एक आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल दिख रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सो जो आर्टरी रहती है, रीनल आर्टरी, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो रीनल आर्टरी रहती है यहाँ पे, ठीक है, ये जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी के जो सब आर्टेरियोल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक आर्टरी निकल रही, एक आर्टेरियोल्स निकल रहा है, एक आर्टेरियोल निकल रहा है, ये एक आर्टेरियोल, तो ये क्या है, इससे इमर्ज हो रही है, इसे डिवाइड हो रही है, ठीक है ना, रीनल आर्टरी से। सो इसमें से जो आर्टरी इस नेफ्रॉन के पास जाएगी, आर्टेरियोल सॉरी, इसमें से एक जो आर्टेरियोल जो नेफ्रॉन के पास जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल्स कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल्स। सो ये क्या करता है, जो हार्ट के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ना, ठीक है, जो पंप आउट हुआ होता है, तो वो सारा का सारा ब्लड क्या करता है, वो ये एफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू, जिसमें जो नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस रहते हैं, ये अमोनिया है, ठीक है, या फिर यूरिया है हमारा बना हुआ, तो वो सारा का सारा ब्लड क्या करता है, यहाँ पे लाता है, ठीक है, ये एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है ना। और जब से कि ये अंदर आएगा तो इससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, और यहाँ से ब्लड वापस चला जाएगा थ्रू इफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये है हमारा एफरेंट आर्टेरियोल, जिससे क्या हो रहा है, ब्लड अंदर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है, वो जा रहा है। ये जो पार्ट है हमारा, ठीक है, वो है हमारा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस माने जो एफरेंट आर्टेरियोल जब ये यहाँ पे आता है, तो इसका बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड होता है, और इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक है ना, और यहाँ से वो निकलता है इफरेंट आर्टेरियोल। मैं और एक डायग्राम दिखाता हूँ, ओके फाइन, ठीक है। तो हम पहले एक मोटा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक बेसिक पढ़ते हैं। हमारे पास नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स रहते हैं, ठीक है, एक रहता है एफरेंट आर्टेरियोल, जिससे कारण ब्लड अंदर आता है, एक रहता है इफरेंट आर्टेरियोल, सो यहाँ से ब्लड बाहर जाता है, ठीक है, एक कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है, और इसका जो कवरिंग रहता है उसको हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। अभी ये जो बोमन्स कैप्सूल है, इससे जो हमारा जो प्राइमरी यूरिन बनता है, या जो फिल्ट्रेशन बनता है, जो इस डक्ट के अंदर आता है, तो ये फर्स्ट या फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, तो इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहते हैं, या फिर उसको पीसीटी भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से एक यू शेप्ड एक ट्यूबुल रहता है, ठीक है, उसको हेनलेज लूप कहते हैं। सो ये जो हेनलेज लूप रहता है, ठीक है, वो मेडुलरी सेक्शन में रहता है, ठीक है ना, मतलब कॉर्टेक्स में ये पीसीटी रहेगा, ये बोमन्स कैप्सूल रहेगा, या फिर, ठीक है, और ये डीसीटी भी रहेगा, और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है हेनलेज लूप, ये रहता है आपके पिरामिड्स में, ठीक है ना, ठीक है, जो हमने किडनी की सेक्शन देखा, ठीक है ना। सो इसमें ये जो पिरामिड्स है, ये सारे के सारे पिरामिड्स है, इसमें लूप ऑफ हेनले रहता है, हेनलेज लूप रहता है, और बाकी का जो भी पार्ट है, ठीक है, फिर वो बोमन्स कैप्सूल हो गया, पीसीटी हो गया, ठीक है, बाद में डीसीटी हो गया, वो सारा का सारा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। फिर ये हो गया आपका सेकंड लास्ट वाला डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यहाँ से लेके फिर यूरिन यहाँ पे जाएगा, और ये जो पोर्शन है इसको हम सीटी कहते हैं, या कलेक्टिंग ट्यूबुल कहते हैं, ठीक है। आपको और एक डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है, सो इसे और आपको बेटर समझने में आएगा। ये है आपका माल्फिजियन बॉडी, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लो कि ये जो कप लाइक शेप रहता है, उसको आप माल्फिजियन बॉडी कह सकते हो। यहाँ से जो यूरिन जो प्राइमरी फिल्ट्रेट निकलता है, और ये जो कन्वोल्यूटेड पार्ट है यहाँ तक, उसको आप प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कह सकते हो, ठीक है। ये आपका बोमस कैप्सूल या माल्फिजियन बॉडी, इन दोनों को मिला के हम माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं। ये कैप्सूल आपका ग्रीन कलर का, ठीक है, और ग्लोमेरुलस जो रेड कलर का है, ठीक है, ये पर्पल कलर का आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये यू शेप्ड जो दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ग्रीनिश इन कलर है, ठीक है, सो ये जो यू शेप्ड दिख रहा है वो आपका है लूप ऑफ हेनले, जो कि मेडुला में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद में ये जो आपको और एक रेड कलर का दिख रहा है, वो है आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है, और उससे क्या होगा, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यहाँ पे ओपन होगा, किस में ओपन होगा, वो कलेक्टिंग डक्ट में होगा। अभी ये बेसिक सा डायग्राम है हमारे नेफ्रॉन का, ठीक है ना,
तो आपको ये याद रखना है कि भाई इसको बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, इसको पीसीटी कहते हैं, इसको लोपोफेनले कहते हैं, इसको डीसीटी कहते हैं डॉग, है ना, डिस्टल कोऑर्डिनेटेड, और इसको सीटी कहते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ से जो कैपिलरी आ रही है और इसके पैरेलल ये एक मेश बना रही है, ठीक है ना, इसको कहते हैं वासा रेक्टा, ठीक है ना। ये एक नया थिंग्स है, इसमें मैंने वासा रेक्टा को ऐड नहीं किया था ताकि आपको इजी से समझे कि कौन सा चीज़ क्या है करके, ठीक है। ठीक है, सो ये हमारा था मालफिजियन बॉडी जिसमें बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। फिर ये हमारा है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ये है हमारा लोपोफिनले, ये है हमारा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। सो ये मोटा मोटी पांच चीजें हैं, एक दो तीन ये चार और ये पांच। सो हमारा जो ब्लड है फिल्ट्रेशन के लिए इसी रूट से फॉलो होता है, पहले वो मालफिजियन बॉडी में आएगा, बाद में पीसीटी में आएगा, बाद में लुपोफिनले में आएगा, बाद में डीसीटी में आएगा, और बाद में सीटी में आएगा। और इसमें एक चीज यहाँ पे ऐड हो चुकी है जिसको हम कहते हैं वासा रेक्टा, तो इसको हम पढ़ेंगे, ये क्या हो रहा है, लुपोफिनले को ऐसे फोल्ड करते चली जा रही है, ठीक है ना। ओके, तो इस वासा रेक्टा को थोड़े आगे थोड़े समय बाद हम इसको पढ़ेंगे कि क्या होता है करके वासा रेक्टा, ठीक है ना। सो आप इतना समझ लो, ये जो ई फ्रंट आर्टरी आ रही है इससे क्या कर रही है, वो लुपोफिनले को एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। इसका आगे आपको इसका रोल क्या है वो पता चलेगा, ठीक है। अभी हम वन बाय वन पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है ना, इन चीजों को, ठीक है। अभी फर्स्ट जो थिंग है हमारा वो है हमारा मालफिजियन बॉडी, ठीक है, जिसको हम रिनर कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा है हमारा, हम जो ये पढ़ रहे थे, ये वाला फर्स्ट पोर्शन हमारा, ठीक है ना, या फिर हम जो इसमें पढ़ रहे थे, ये फर्स्ट वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो इसको हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। चलो, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है, तो समझने में ज्यादा समझ मतलब समझने में ज्यादा ईजी होगा, ठीक है। सो ये जो टोटल स्ट्रक्चर है इसको हम मालफिजियन बॉडी बोलते हैं, और इसमें क्या क्या कंटेंट रहता है आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एफरेंट आर्टेरियोल रहता है, ठीक है, एक आपको यहाँ पे इफरेंट आर्टेरियोल दिख रहा है, एक यहाँ पे आपको ग्लोमेरुलस दिख रहा है, ठीक है, और आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, और इस पोर्शन को हम बोलते हैं कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। सो बेसिकली ये जो ग्लोमेरुलस रहता है और बोमन्स कैप्सूल रहता है, इससे ये पूरा मालफिजियन बॉडी बना रहता है। अभी ये ग्लोमेरुलस क्या चीज है वो समझने का प्रयास करो। तो हमने देखा कि किडनी में रीनल आर्टरी से क्या होता है कि भाई ब्लड अंदर आ रहा है, ठीक है ना। सो ये हमारी किडनी है भाई, ठीक है, ये हमारी रीनल आर्टरी है, ठीक है, यहाँ से ब्लड जो है वो अंदर आ रहा है, और ये जो रीनल आती है वो छोटे छोटे आर्टेरियोल्स में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अभी इन आर्टेरियोल्स में एक रहता है एफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है, जो हर्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया है और जिसमें यूरिया कंटेंट है मैक्स, चीजों को समझो, ठीक है ना। सो यहां से ब्लड आ रहा है, ठीक है ना, रीनल आर्टरी से जो ब्लड आया वो एफरेंट आर्टेरियोल के माध्यम से यहाँ पे ब्लड आ रहा है। अभी ये जो एफरेंट आर्टेरियोल्स रहता है, ठीक है, ये एफरेंट आर्टेरियोल्स जैसे ही अंदर आएगा बोमस कैप्सूल में, ठीक है ना, सो उस ये कैपिलरी हो गई, ये कैपिलरी हो गई, ये कैपिलरी हो गई, तो वो क्या होता है, कैपिलरीज में डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, चीजें समझ में आ रही है। सो ये एफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है, इसमें बहुत सारे कैपिलरीज में कन्वर्ट होता है, और इसका एक मेश लाइक मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ठीक है ना। और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर ज्वाइन होके कहाँ पे निकलते हैं, ये इफ्रंट आर्टेरियल की तरफ से निकलते हैं, ठीक है। सो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है इसको, जिसमें बहुत सारे कैपिलरी नेटवर्क्स है जो कि एफ्रंट आर्टेरियल से ब्लड आ रहा है और इफ्रंट से निकल रहा है, तो उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस मतलब ये जो मेश लाइक स्ट्रक्चर है या जो कॉम्प्लेक्स है बहुत सारे कैपिलरीज का, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो पूरा का पूरा ग्लोमेरुलस प्रेजेंट रहता है, वो जिस शेप में प्रेजेंट रहता है, ये जो कप लाइक शेप देख रहे हो
उसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल, ठीक है ना। सो बोमन कैप्सूल मतलब क्या? बोमन कैप्सूल एक एक कप लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें एफरेंट आर्टरियोल अंदर आती है, बहुत सारा कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है और एफरेंट सॉरी इफरेंट आर्टरियोल से निकलता है, ठीक है ना। सो ये चीज है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इन दोनों को मिला के, मतलब ये जो ग्लोमेरुलस है और ये बोमन कैप्सूल है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसको हम कहते हैं माल्फिजियन बॉडी, ठीक है ना। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी, फिर उसमें एफरेंट आर्टरियोल भी इंक्लूड है और इफरेंट भी, ठीक है ना। ओके सो ये तो हो गया, या फिर उसको कहाँ पे गए, ठीक है, रीनल कॉर्पसल भी कहते हैं इस माल्फिजियन बॉडी को, ठीक है। ओके अभी देखो ये जो हमारा एफरेंट आर्टेरियोल्स रहता है, ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो साइज है एफरेंट आर्टेरियोल को, तो स्लाइटली लार्ज है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, जो इफरेंट आर्टेरियोल्स है उसके कंपैरिजन में। मैं और एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ये वाला, ठीक है। सो ये भी हमारी माल्फिजियन बॉडी है। सो इसमें आप ठीक ठाक से देख सकते हैं, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल्स है, ये वाला एफरेंट आर्टेरियोल, सो उसका देखो कि साइज कितना है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टेरियोल्स। सो इससे क्या हो जाता है कि लार्ज अमाउंट में ब्लड जो है वो इस ग्लोमेरुलस में आता है, ठीक है ना, लार्ज अमाउंट में, मतलब समझो यहाँ पे बहुत सारा ब्लड आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो ब्लड यहाँ से निकल रहा है वो बहुत कम निकल रहा है, मतलब अगर यहाँ पे 3 एरो इतना ब्लड आ रहा है तो यहाँ पे 2 एरो इतना ही ब्लड बाहर निकल रहा है इफरेंट आर्टेरियोल से। तो इससे क्या होता है, अगर किसी भी जगह से बहुत सारा इनटेक आ रहा है और बहुत कम आउटपुट जा रहा है, सो यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है, बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आर्टेरियोल का जो ओपनिंग है बहुत बड़ा है और जहां से ब्लड निकल रहा है वो बहुत कम निकल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारा ब्लड अकुमुलेट होगा और इससे बहुत सारा प्रेशर क्रिएट होगा। सो उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर प्रेशर, ठीक है ना, उसको करते हैं हम ग्लोमेरुलर प्रेशर। और इसी के कारण, इस प्रेशर के ही कारण क्या होता है, यहाँ से ब्लड जो होता है वो बोमन कैप्सूल के अंदर आना स्टार्ट होता है, जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, किसके कारण, क्योंकि यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल्स है, यहाँ पे इफरेंट आर्टेरियोल्स है, एफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है वो ज्यादा है, इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर है वो कम है, इसलिए बहुत सारा ब्लड अंदर आता है और बहुत उसमें से कम ब्लड बाहर निकलता है, इसके कारण यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होता है और उसके कारण प्रेशर क्रिएट होता है। और उस प्रेशर के कारण यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ एरो है, उस प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, चूंकि अंदर प्रेशर बढ़ रहा है तो ब्लड क्या हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है ना। सो ब्लड क्या हो रहा है यहाँ से, सॉरी ब्लड बोल रहे हो, फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लोमेरुलर प्रेशर के कारण, ठीक है ना। ओके सो ये हो गया आपका माल्फिजियन बॉडी के बारे में बेसिक्स। अभी हम एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो एनसीईआरटी की तरफ देखते हैं, कहाँ गई एनसीईआरटी। यहाँ पे हमने देखा, चलो पढ़ते हैं अभी, ठीक है। आपको पता चला क्या होता है, ठीक है, कि अ हेयर पिन लाइक शेप्ड लूप, हेनलेज लूप इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूबुल विच हैज द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिंब। तो हमने पढ़ा यहाँ पे कि भाई ये आपका पूरा का पूरा जो है वो क्या है, माल्फिजियन बॉडी है, ठीक है, और इससे क्या होता है, एक प्रॉक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूबुल निकला, ये आपका लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, और ये आपका डीसीटी है और ये आपका सीटी है, ठीक है ना। ओके तो ये जो लूप ऑफ हेनले है उसके दो पार्ट रहते हैं, एक डिसेंडिंग लिंब मतलब एक नीचे जा रहा है और एक रहता है असेंडिंग लिंब मतलब एक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये पार्ट ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ये पार्ट नीचे की तरफ लेके जाएगा, ठीक है, एक नीचे जाने वाला डिसेंडिंग लिंब, एक ऊपर जाने वाला असेंडिंग लिंब, ठीक है ना। ओके चलो आगे देखते हैं, फिर आपको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पता चला जो बैक साइड में रहता है, ठीक है। अभी हम क्या कहते हैं, ओके डीसीटी हैज मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इन टू द स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट्स, आपको कलेक्टिंग डक्ट्स पता चला,
मेनी ऑफ विच कन्वर्ट्स एंड